महावीर इंटरनेशनल महिला संगठन की ओर से महावारी स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। महावीर इंटरनेशनल संगठन की ओर से पहाड़गंज स्थित महिला राजकीय स्कूल से सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद अलग अलग स्कूलों के साथ ही कच्ची बस्तियों व अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद महिला कैदियों को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। इसके साथ ही संगठन द्वारा महिलाओं को हर माह आने वाली महावारी की जानकारी भी दी गई और इसके बचाव के लिए महिलाओं को जागरूक किया गया। महावीर इंटरनेशनल से आज सभी वीराएं जो सब बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, हम लोग सब ने आज से हमने एक प्रोजेक्ट नया शुरू किया है सैनिटरी पैड का। और आज का दिन जो है वो महावारी स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो हमने सोचा है कि आज ही के दिन हम लोग ये शुरू करें। तो आज सर्वप्रथम हमने पहाड़गंज स्कूल के अंदर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके अंदर से हमने स्टार्ट किया था। वहाँ पर वीना अग्रवाल जी को हमने आग्रह किया था कि आप बच्चियों को, कच्ची बस्ती की लेडीज़ को और आसपास के जितने भी इस टाइप के जो कच्ची बस्ती के लोग हैं जो ये पैड वैड यूज़ नहीं करते, गंदे कपड़े यूज़ करते हैं, उनको आप बुलवाइए। तो हमने बहुत अच्छे से जानकारी दी, मेरे साथ जानकारी दी विनीता जी गोयल ने, अलका जी ने, वीना अग्रवाल जी ने, सब ने उनसे बातें शेयर की और हमने उनको फ्री सैनिटरी पैड बांटे और उनको बताया कि आप गंदे कपड़े वगैरह यूज़ नहीं करें और अच्छे सैनिटरी पैड हाइजेनिक चीज़ यूज़ करें जिससे स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। हमने वहाँ पर 80 पैड्स बांटे हैं, 80 लोग थे वहाँ पर, कुछ लड़कियाँ थी जो यंग लड़कियाँ हैं और गाँव की और उसके आसपास की कच्ची बस्तियों की लेडीज। मैं अंतर्राष्ट्रीय को डायरेक्टर महिला सशक्तिकरण की हूँ और आज हमारे अजमेर महावीर इंटरनेशनल केंद्र की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वास्थ्य महिला दिवस के रूप में जो ये आज का दिन 28 मई है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में आज से हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कराया है। चेयरपर्सन इंदु जी की तरफ से ये शुरुआत हुई है। तो पहले हमने पहाड़गंज में ये बांटे, उसके बाद हम यहाँ सेंट्रल जेल में आए महिलाओं के पास। यहाँ पर ऐसे ऐसे दूर दूर से गांव से वो दूर दूर शहरों की महिलाएं जिन्होंने छोटे मोटे भी अपराध किए वो सब यहाँ पे है जेल में। तो उनको वैसे तो जेल की तरफ से सुविधा मुहैया कराई जाती है लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं की ये जो माहवारी वाली जो समस्या है वो खुल के किसी से बात नहीं कर पाती है। इस वजह से हम लोगों ने इनसे बातचीत करी, इनसे इनकी प्रॉब्लम शेयर करी, फिर उसके बाद हमने इनको सैनिटरी पैड बांटे हैं और सबने जो लोग जो महिलाएँ गाँवों की है बिल्कुल एकदम ठेठ गाँव से आई हुई है जिनको पता नहीं पैड क्या होता है उनको पैड के बारे में बताया, जो कपड़े यूज़ करते हैं उनको मना किया कि आप ये नहीं करें, हम हर महीने आपको ये पैड देंगे। तो 3 महीने हमारी संस्था की तरफ से ये पैड फ्री दिए जाएंगे, फिर उसके बाद हम एक बहुत मिनिमम चार्ज इनसे लेंगे और इनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए हमेशा यहाँ आते रहेंगे। यहाँ लगभग 50 जी सेंट्रल वेलफेयर फंड CRPF की तरफ से जो हमारे पुलवामा के शहीद जवान थे उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 1 लाख के फिक्स डिपॉजिट सभी बच्चों को, पर बच्चे जितने भी बच्चे हैं सबको CRPF की तरफ से ये पैसा आया है सेंट्रल वेलफेयर फंड की तरफ से, जिसका आज हम लोगों ने वितरण किया है। श्री सीमेंट ने हमें अप्रोच किया था पुलवामा हमले के तुरंत बाद कि साहब हम राजस्थान के जो 5 शहीद हुए हैं इन सब की मदद करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो हमने कहा था कि आप करिए। तो आज उन्होंने भी 5-5 लाख रुपये शहीद के परिवारों को समर्पित किए हैं। 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था जिसके कारण से शायद देश का कोई ऐसा शख्स नहीं था जो दुखी नहीं था, आक्रोशित नहीं था, और उस वक्त के अंदर में एक हम लोगों के मन में ये लग रहा था कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो रात और दिन बिना रुके बिना थके देश की सेवा में लगे। और ऐसे समय में श्री सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए बहुत जानी पहचानी जाती है। जिस तरह से इन्होंने उद्योग में प्रगति करी है उसी तरह से इन्होंने सामाजिक जो सरोकार के काम है उसके अंदर में भी लगातार अपनी भागीदारी बना के रखी है। उसी समय पे हमारे जो शीर्ष प्रबंधन था उसने राजस्थान के जो भी शहीद हैं CRPF के उनके लिए 5-5 लाख रुपए की एक सहायता राशि की घोषणा करी थी। और मेरा सौभाग्य है, हमारी टीम का सौभाग्य है कि हम वही सहायता राशि उन 5 शहीद परिवारों को यहाँ देने के लिए आज उपस्थित हैं।